Assalamu alaikum. My name is Dr. Mohammad Usman Ali. I'm field physiology training in Sheikh Zayed BGM in Lahore. Today our topic is examination of tests regarding respiratory system. Okay. तो लास्ट टाइम भी हमने जैसे सी बी एस का स्टार्ट किया था वही प्रोटोकॉल है इसके भी. आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाना है अपना पेशेंट को, ठीक है. कंसेंट देना है पेशेंट का, राइट साइड पे खड़े होना है उसके, और एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए पेशेंट के लिए. पेशेंट नर्वस नहीं होना चाहिए, एंजाइटी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है. और उसके बाद फिर आपका है स्टेप्स ऑफ एग्जामिनेशन में वही इंस्पेक्शन पॉलिशन परफेक्शन ऑस्कल्टेशन है. उसके बाद इसमें जो पोजिशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपोजर जो है एम्ब्लाइकस तक आपने एक्सपोज करना है पेशेंट को, ठीक है. वो आपने पहले ही उसे कंसेंट दे देना है, ठीक है. इंटीरियर चेस्ट को के लिए आपको एम्ब्लाइकस तक करना पड़ेगा, और बैक आपको फुली एक्सपोज होनी चाहिए इसके पेशेंट के, ठीक है. उसके बाद आपकी जो है इंस्पेक्शन जो स्टार्ट करनी है आपने फुट एंड से स्टार्ट करनी है पेशेंट के, ठीक है. इंस्पेक्शन में आपने शेप देखनी है पेशेंट की, नॉर्मल है या कोई नॉर्मेलिटी है, जैसे काइफोसिस में हो सकता है, स्कोलियोसिस में हो सकता है, ठीक है. इस तरह की चीज़ें आपने देखनी, बैरल शेप ना हो, ओपिनियन शेप ना हो, तो ये आपने नॉर्मल शेप उसकी देखनी है. उसके बाद इंस्पेक्शन में ही टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है. टाइप ऑफ रेस्पिरेशन नॉर्मली जो है मेल की है, जैसे कि मेरा ये सब्जेक्ट मेल है, तो इसमें जो होगी एब्डोमिनल थोरेसिक जो है वो नॉर्मल इसकी है. फीमेल में होती है थ्रैको एब्डोमिनल जो है टाइप इसकी. उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट देख लेना इसका, फुट एंड में देखेंगे इसकी चेस्ट मूवमेंट से हमें आइडिया हो जाएगा कि रेस्पिरेशन कितनी है, मतलब 14 to 16 इज नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट. उसके बाद आपकी चेस्ट मूवमेंट्स हैं, दोनों चेस्ट सेम मूव कर रही है, बायलेटरली मूवमेंट है उनकी. उसके बाद आपकी चेस्ट पे ही प्रोमिनेंट वेन्स और ये चीज़ें आपने देख लेनी है. तो अब स्टार्ट करते हैं हम इनसे इंट्रोडक्शन से. जैसे मैं राइट साइड पे खड़ा हूँ, उसके बाद इंट्रोडक्शन है और कंसेंट है, ठीक है. मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अली है. मुझे आपका साथी का मुआयना करना है, ठीक है. और उसके लिए मुझे आपकी शर्ट आपके ये नेवल तक नीचे आपको एक्सपोज करना होगा, ठीक है. इस तरह बैक पे भी आपको पूरा मेरी शर्ट उतारनी होगी, ठीक है. और क्या मुझे आप इस चीज़ की इजाज़त देते हैं? ओके, शुक्रिया. अच्छा, इंटीरियर टेस्ट के लिए आपको आपकी इनके फुली टेस्ट जो है ना एक्सपोज होने चाहिए यहाँ पे इनके एम्ब्लाइकस तक, ठीक है. और इनकी जो है जो बाजू हैं वो एबडक्टेड होनी चाहिए बिल्कुल साइड पे, ठीक है. उसके बाद इनकी जो है इंस्पेक्शन है. इंस्पेक्शन मैंने टेंट से करनी है, वही जो आपको सारे बताए थे, टेंट से देखना है. शेप ऑफ चेस्ट, ठीक है, कि बायलेटरली सिमेट्रिकल होनी चाहिए, ठीक है. उसके बाद मूवमेंट दोनों साइड पे नॉर्मल होनी चाहिए. और स्कार पे देख लेना है, चेस्ट पे स्कार ना हो, कोई प्रोमिनेंट वेन्स ना हो. रेस्पिरेशन देखनी है, रेस्पिरेटरी रेट कितना है, वो आपको उससे आइडिया हो जाएगा. जैसे चेस्ट मूव कर रही है आपने काउंट कर लेना है कि एक मिनट में 14 to 16 एक नॉर्मल रेट चल रहा है इसका. उसके बाद इसकी कोई मैसेज मुझे कोई एब्नॉर्मलिटी नज़र नहीं आ रही, ठीक है. और शेप भी इनकी चेस्ट शेप भी बिल्कुल नॉर्मल है, रेस्पिरेशन नॉर्मल है इनकी. जैसे कि मेल में एब्डोमिनल थ्रेसिक है, जैसे एब्डोमिनल थ्रेसिक, ठीक है, ये इनकी नॉर्मल मेल में है. और बाकी ओवरऑल बिल्कुल ठीक है, कोई स्कार्स वगैरह नहीं है, कोई प्रोमिनेंट वेन नहीं मुझे नज़र आई, ठीक है. ये हमारा इंस्पेक्शन का एक कंप्लीट हो चुका है. ओके इंस्पेक्शन में आपने सबसे पहले इनकी शेप ऑफ चेस्ट देखनी है, और शेप ऑफ चेस्ट. उसके बाद कोई स्कार मार्क्स ना हो, कोई सर्जिकल मास्क कोई कोई, और ऊपर से कोई प्रोमिनेंट वेन. और उसके बाद आपकी रेस्पिरेटरी मूवमेंट देखनी है, और जो है टाइप जो है रेस्पिरेशन की वो मेल में होना है. एब्डोमिनल थ्रेसिक नॉर्मल है मेल में, ठीक है. फीमेल होगी तो उनकी थ्रैको एब्डोमिनल होगी, ठीक है. ये आपकी इंस्पेक्शन कंप्लीट होगी. उसके बाद आगे है पाल्पेशन. अच्छा, पाल्पेशन में आपने सबसे पहले उनकी सब्जेक्ट की जो है ना पोजीशन ऑफ ट्रेकिया और एपेक्स स्पीड देखनी है. पोजीशन ऑफ ट्रेकिया के लिए वन फिंगर और थ्री फिंगर मेथड यूज होता है. वन फिंगर क्या है, आपने मिडिल फिंगर इनके सुप्रा स्टर्नल नॉच में टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर आप करेंगे इंसर्ट, और आपको ट्रेकिया इनका फील हो जाएगा, ठीक है, मिडिल में. ओके, या थ्री फिंगर मेथड यूज़ करना है तो आपने इंडेक्स और रिंग फिंगर इनके स्टर्नो क्लेविकल जॉइंट पे, और मिडिल फिंगर से इनका ट्रेकिया पाल्पेट करना है.
ओके ये आपका ट्रेकिया पार्पेट हो गया। उसके बाद इनकी मूवमेंट ऑफ चेस्ट देखनी है आपने, उसके लिए आपने देखना है ये प्रोसीजर देखना है, नेपल के बिल्कुल नीचे आपने थम्स से इनकी चेस्ट ग्रैस्प करनी है और इनको अपने सब्जेक्ट को बोलना है कि वो डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर दें। लंबा सांस लें, ये देखें ये दो अगर तो दोनों आपके थम्स बिल्कुल एक साथ मूव कर रहे हैं इसका मतलब कि बिल्कुल इसकी चेस्ट बिल्कुल ठीक है। अगर कोई एक कम है और एक ज़्यादा है, जिस साइड पे थम मूवमेंट कम है वो एबनॉर्मल कंसिडर की जाएगी। उसके बाद है आपकी एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट, एक्सपेंशन के लिए आपको मेजरिंग टेप लेनी होगी। अच्छा जो आपकी ये मूवमेंट ऑफ चेस्ट है ना आपने दो जगह पे कर लेनी है, एक यहाँ पे कर लें या एक मजीद इस तरह दो जगह पे कर लेनी है, बैक से करनी है तो तीन जगह से करनी है। और ये एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट के लिए आपको मेजरिंग टेप यूज़ करनी होगी। अच्छा ये इनको इसी तरह डीप ब्रीदिंग का कहना है, डीप ब्रीथ लेंगे और ये मूव करेंगे, ठीक है। अब लंबा सांस लें, ओके ये जो मोर देन 2 सेंटीमीटर अगर हो तो वो नॉर्मल कंसीडर की जाएगी। अगर कि इसमें लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो इसमें कोई ना कोई जैसे ब्रोंकियल अस्थमा में ये एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कम हो जाती है, एम्फैल्सीमा में ये जो है ना एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कम हो जाती है। अगर मोर देन 2, 3, 4 तक है, 5 तक भी नॉर्मल है, लेकिन लेस देन 2 सेंटीमीटर आपको फील हो तो इसमें कहीं ना कहीं पैथोलॉजी है। उसके बाद आपकी है वोकल फ्रेमिटस, वोकल फ्रेमिटस के लिए आपने पेशेंट को कहना है कि कोई भी वर्ड रिपीटेडली बोले, सपोज के मैं इनको कहूँगा कि 3-3 बोले और मैं इनकी चेस्ट एंटीरियरली लेटरली पालपेट करूँगा, ठीक है। अब काइंडली 3-3 बोलें, 3-3-3, 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 3-3-3-3-3, 3-3-3, 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 3-3
वाइब्रेशन फील होगी आपकी पाम पे पाल्पेशन के दौरान, जब ये इसका मतलब ये है कि इनके लंग्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, ठीक है। ये आपकी वोकल फ्रेमिटिस होगी, उसके बाद आपकी पाल्पेशन ऑफ एपिसिस ऑफ लंग है, उसमें ये है कि आपको पेशेंट को बिठाना होगा। काइंडली आप बैठ जाएं। आप बैक साइड पे खड़े होंगे, इनके एपिसिस ऑफ लंग पे आपका हाथ होगा ट्रेपेज़ियस मसल पे, और आपके फिंगर्स जो है क्लेविकल या सुप्रेशन ये जो है क्लेविकल फोसा उधर आपके होंगे फिंगर, और ये जब ब्रीदिंग करेंगे तो ये फिंगर्स मूव करेंगे आपकी। तो अगर ये सेम मूव करिए तो इसका मतलब ये है कि ये इनके लंग्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। अब सांस लें पे, ओके, ये इनकी एपिसिस की पाल्पेशन थी। नेक्स्ट, ओके, अभी हमने पाल्पेशन की, पाल्पेशन में हमने मूवमेंट ऑफ चेस्ट देख ली उसकी, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट मेरिन टेप्स देख ली, ठीक है, और उसके बाद हमने किया था वोकल फ्रेमिटस वो देखा था, वो भी इनका नॉर्मल है, ठीक है। अब ये पाल्पेशन में टेंडरनेस वगैरह देख लेनी है, अक्सर वो टेंडरनेस में पाल्पेट करने से वो टेंडरनेस फील होती पेशेंट को। ये पाल्पेशन कम्प्लीट करके उसके बाद हमने नेक्स्ट है हमारा परकशन। परकशन जो है ना, उसमें जिस आपको ये आइडिया है कि आपको फ्लेक्सीमीटर, ये जो मिडल फिंगर है लेफ्ट मिडल फिंगर फ्लेक्सीमीटर कहलाती है, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर, और फ्लेक्सर जो है ना इसके फैलिंग्स पे अपने परकस करने तो ये इसका ये प्रोसीजर परकशन का, ठीक है, और आपकी रिस्ट मूवमेंट होनी चाहिए, रिस्ट, ठीक है, ये रिस्ट मूवमेंट, ओके, ये परकशन का है। उसके बाद परकशन जो है चेस्ट की एंटीरियरली होगी, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस टू फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है, उसके बाद लेटरली आपने फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस टू सेवन्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक करनी है। बैक पे जब जाना है हमने तो वो इलेवंथ रिप तक हमने परकस करना है, ठीक है, और आपस में इनको कॉरेस्पॉन्डिंगली भी करना है ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि दोनों नॉर्मल हैं। और इसकी मेनली होता है कि रेजोनेंट परकशन होती है, नोट जो है रेजोनेंट नोट होगा। तो ये हम स्टार्ट करते हैं, हम जैसे कि ये इनका एंगुलर फ्लुइड है, इसके साथ ही ये सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस है, ये बॉर्डर पे लागे
हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस करना। रेजोनेंट फील हो रही है, ये फिफ्थ तक हमने ये इसकी वो कर दी है इंटीरियरली। इसी तरह हम ये स्टार्ट करेंगे इनकी लिटरली, ये भी फोर्थ टू सेवन्थ। फोर्थ टू सेवन्थ उसके बाद आपकी इनके हम अब जो पोस्टीरियर है वो बैक के बैक से करनी होगी हमें। आप कैंडली उठ के बैठ सकते हैं, अपनी अपने दोनों हाथ एक दूसरे पे अपने ये निकालनी होगी। नेक्स्ट, अच्छा पोस्टीरियर चेस्ट जो है आपने स्टार्ट करनी है इनके ना अबव दी स्पाइनो स्कैपुला, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट करके इनको फुल लेके आना है इलेवंथ रिब तक, ठीक है। ये आपका फुल एरिया कवर होना चाहिए इलेवंथ रिब तक, ठीक है। इसी तरह यहाँ से इनका अबव दी स्पाइनो स्कैपुला और ये क्लोज टू दी वर्टिब्रल कॉलम और ये एंड तक इलेवंथ रिब तक, ये आपने सारा पर्पस करना है यहाँ तक, ठीक है। और इनकी जो वो है आपकी एपिसिस भी, वो भी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है, लेट जाए। और ये जो क्लेविकल है, क्लेविकल का प्रैक्टिस करने का ये तरीका है कि थ्री फिंगर से करना है, मीडियल थर्ड और क्लेविकल आपने प्रैक्टिस करनी है। मतलब ये मीडियल थर्ड बन रहा है इनका, ये क्लेविकल थ्री फिंगर से। ओके, प्रकशन जो थी वो हमने देखी है इनकी। अगर आपको वैसे तो रेजोनेंट फील होनी चाहिए, प्रकशन नोड जो है ना लंग्स पे रेजोनेंट होता है। अगर हाइपर रेजोनेंट आपको फील हो तो ये एम्फेसीमा में या नीमोथोरक्स में आपको मिलेगा। अगर हाइपो रेजोनेंट है जैसे कि डल सोनी डल जो है वो प्लूरोफिजियन पे, लेकिन आपको लेफ्ट साइड पे डल साउंड फील हो सकती है यहाँ पे, वो हार्ट के बॉर्डर की वजह से, ठीक है। अदरवाइज आपको ओवरऑल रेजोनेंट नोट फील होगा। उसके बाद ऑस्कल्टेशन है, ऑस्कल्टेशन में भी आपने प्रेथ साउंड्स देखनी है, वोकल रेजोनेंस देखनी है, एडिट साउंड्स जैसे कि कोई रोंकाई या क्रेपिटेशन या प्लूरल रब तो नहीं है। ब्रेथ साउंड जो है नॉर्मल जो होती है वेजिकुलर ब्रीथिंग होती है, जिसमें इंस्पायरेशन इज लॉन्गर दैन एक्सपायरेशन विद नो पॉज, ठीक है। ये लंग टिश्यू पे आपको नॉर्मल वेजिकुलर ब्रीथिंग फील होगी। अगर कोई पैथोलॉजी चल रही है तो आपको ब्रोंकियल ब्रीथिंग भी महसूस हो सकती है, फील हो सकती है ऑस्कल्टेशन पे, जिसमें इंस्पायरेशन इज इक्वल टू एक्सपायरेशन विद पॉज बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है। उसके बाद हम वोकल रेजोनेंस, जैसे कि अपने वो वोकल फ्रेमिटिस किया था उसी तरह वोकल रेजोनेंस है, लेकिन ये यहाँ पे हम ऑस्कल्टेशन स्ट्रेथ के साथ ऑस्कल्टेट करेंगे और पेशेंट को या अपने सब्जेक्ट को बोलेंगे कोई भी रिपीटेडली एक वर्ड बोले, जैसे तीन 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 बोलना है तो वो बोलेगा और हम ऑस्कल्टेट करेंगे, ठीक है। जैसे अब इसकी ऑस्कल्टेशन है, ऑस्कल्टेशन के लिए आपने अगर एपिसिस करने हैं तो आप बेल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लंबा सांस लें, अपर लोब्स के लिए मिडिल लोब, लेफ्ट मिडिल लोब, लोअर लोब, ओके। इनकी जो है नॉर्मल वेजिकुलर ब्रीथिंग है। अब इनको वोकल रेजोनेंस के लिए इनको मैंने कहना है कि कुछ भी मतलब वर्ड जैसे तीन तीन बोले वो फिर ऑस्कल्टेट करूँगा वो उसको वोकल रेजोनेंस बोलेंगे हम। काइंडली आप कोई भी वर्ड मतलब जैसे कि तीन 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 तीन, ठीक है। ये इनकी वोकल रेजोनेंस थी। और उसके बाद ये देखना है कि आपको कोई ऑस्कल्टेशन में कोई एडिट साउंड्स तो नहीं फील हो रही, अगर नहीं है तो ये इसका मतलब कि ये नॉर्मल एक आपका सब्जेक्ट है। ये आज का प्रॉपर हमारा एक्सपेरिमेंट था,
उसके बाद एंड पे आपने पेशेंट को थैंक यू बोलना है, थैंक यू सो मच आपने मुझे इजाज़त दी अपना इंफॉर्मेशन करने की, शुक्रिया आपका बहुत। स्टेप ऑफ द प्रैक्टिकल विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, दैट इज द स्टेप ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड रिजल्ट्स। नाउ इट इंक्लूड्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, देन एज फॉलोड बाय सेक्स एंड डेट एंड टाइम। Now all the four steps which includes inspection, palpation, percussion and auscultation, these will be observed in the following manner. That first column is observations, that what you observe in the patient or in the subject, and the next column is the results, in which you will write down whether it is normal or abnormal. So what points you will see on inspection: shape of the chest, type of respiration, respiratory rate, chest movements, any prominent veins, pulsations, scar marks, etc. So if all these are normal, your results will be normal. Then on the palpation, you will see following points: tenderness, position of the trachea and the apex beat, movement of the chest wall, expansion of the chest and vocal parameters. So if all these are normal, your result will be normal. Similarly, percussion you will do anteriorly, posteriorly and laterally, and if the percussion notes are resonant, it means your percussion or percussion is normal or the subject is normal. And auscultation, you will look for the following points: breath sounds, vocal resonance or added sounds. If there is normal vesicular breathing, it means the person is all right, but if there is other types of sound like crackling sounds, crepitations or whistling sounds, it means there is certain disease. So all these will be first recorded in your observations, and then this shows that whether your results are normal or abnormal. So in this way, examination of respiratory system is